हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पफ स्लीव्स की कटिंग और सिलाई बताऊंगी, जिसके लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये मेरा दो बाजुओं के लिए कपड़ा है, तो इनको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। और ये मेरा जो कपड़ा है वो ब्रॉकेट का कपड़ा है, तो जिसकी चौड़ाई हमने अपनी नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स की, जैसे आर्म होल हम 7 इंच लेते हैं, तो उसमें हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं स्लीव्स को, 8.5 तक लेते हैं, 8-9 लास्ट है। तो इसमें हमने 3 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम इसमें प्लेट डालेंगे। और लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, मेरी 6 इंच लेंथ तैयार है, जिसमें मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो मेरा टोटल 7 इंच कपड़ा है। और 3 इंच मेरा ज़्यादा है, जिसकी मैं प्लेट डालूँगी। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ले सकती हैं, 5 इंच ज़्यादा ले सकती हैं। तो देखिए, जैसे हमारी 9 इंच तक आएंगी, तो हमारा ये तीन में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, आधा इंच एक्स्ट्रा है, वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो आप 3 इंच मान के चलिए, तो मेरा 3 इंच है कपड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। जब खोलेंगे तो हमारा ये 6 इंच हो जाएगा। अब यहाँ से हम खुली वाली साइड से लगाएंगे 3 इंच पे निशान, और इस तरीके से नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और नीचे से हमें कपड़ा कट नहीं करना है, क्योंकि नीचे से हमारी इसमें प्लेट आएंगी। इस तरीके से शेप देने के बाद, और नीचे से आपको कुछ नहीं करना है, बस हल्की सी गोलाई करनी है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो प्लेट डलेंगी उसमें हमारा कपड़ा जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ी सी फिटिंग कर रहे हैं, यहाँ से इतना बस, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पप स्लीव्स होती हैं उसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं कट करते। अब इसकी जैसे ड्राफ्टिंग की है, सेम उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो इसका लाइनिंग हो गया, यानी कि अस्तर, उसको भी हम सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो मेरी दोनों बाजू एक साथ कट के तैयार हो जाएंगी। देखिए, अब हम इसमें जो फ्रंट साइड में 1 इंच के लिए गैप देते हैं, वो देते हैं, छटाई करते हैं, उसके लिए मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी और इसकी ऐसे ही छटाई कर दूँगी यहाँ से। और उसके बाद इसका अस्तर सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो आप इसको अपनी बाजू, उसमें ब्लाउज़ में लगा सकती हैं, कुर्ती में लगा सकती हैं, गाउन में लगा सकती हैं, किसी में भी स्लीव्स को लगा सकती हैं। बहुत ही अच्छी लगती है बनने के बाद में। मैंने इसका लुक, इसके फ़ोटो लगा दिए हैं लास्ट में, प्लीज़ आप देख सकती हैं, लास्ट तक बनी रही है वीडियो में। अब यहाँ से कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, जो हमारी प्लेट आएंगी, जैसे कि हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं 7 इंच पे, इस तरीके से हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है और निशान भी लगा देंगे। लेकिन हम जब सिल लेंगे तब उसको आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे कितने में हमारी प्लेट आएंगी। तो देखिए, हमने नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसको तैयार कर लिया है अंडरग्राउंड लाइनिंग के साथ, ठीक है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे पूरा हमने। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे 7 इंच पे, इस तरीके से इतने कपड़े की हमारी प्लेट आ जाएंगी। छोटी छोटी प्लेट डालनी है, जितना मेरा एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने 3 लिया था, तो खुल के ये 6 इंच हो गया है, और यहाँ से हमारी 6 इंच की फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो प्लेट छोटी छोटी डालनी है, सिर्फ हमें 3 इंच कपड़े की ही प्लेट डालनी है अपने की, जो हमने 3 इंच ज़्यादा लिया है, तो उसकी ही हमें प्लेट डालनी है। बाकी हमें अपनी बाजू नॉर्मल, जैसे 9 इंच रहती है, उस हिसाब से ही रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं, देखिए यहाँ से हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा दबाएंगे, आधा आधा सा, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से यहाँ से आधे आधे इंच की हम प्लेट डाल रही हैं। और सेम यही प्लेट हमें नीचे डालनी है, तो हमें अपना 3 इंच कपड़ा इसी तरीके से कवर कर देना है। तो यहाँ से देखिए, हमारा वो कट आ चुका है, ये देखिए यहाँ तक कट आ गया है। तो हमारा जितना हमारा 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था, वो पूरा हो गया है। अब हमें सेम तरीके से यहाँ से देखिए, पहले हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें ये अंदाज़ा रहे कि हमें 1 इंच छोड़ के ऊपर की साइड लगानी है प्लेट। 1 इंच हमें छोड़ देना है नीचे की साइड की, क्योंकि हम इसके ऊपर फिर पिंक कलर की लेस लगाएंगे। तो हम यहाँ से ऐसे रख के 1 इंच के बराबर, और तब सिलाई लगा रहे हैं। और प्लेटों का डायरेक्शन जिस साइड हमने पहले किया था ऊपर की साइड, उस साइड ही हमें लाना है इसमें भी। तो देखिए, हम उसी को उठाते हुए लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से
और बिल्कुल उतनी ही प्लेट यहाँ से। अब आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकती हैं, वरना हम इसके ऊपर लेस वो लगाएंगे तो उससे और मजबूत हो जाएगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डबल सिलाई लगा ली। तो देखिए ये इस तरीके से पप की शेप में आ जाएगी, आप देख सकती हैं। और जब भी पप स्लीव्स बनाएं थोड़ा टाइट ही कपड़ा लें, जैसे ब्रॉकेट का कपड़ा हो, क्योंकि ज़्यादा हल्का कपड़ा लेते हैं तो जो ये पप होता है वो अच्छे से उभर के नहीं आता है। अब हम बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर इसको लगा देंगे। और ये मैंने अपनी ब्लाउज़ के लिए बनाई है तो बहुत ही प्यारी बनी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान है इसको बनाना। दूसरी स्लीव्स को भी सेम बना के फिर हम आपको रेडी करके दिखाएंगे किस तरीके से लुक आया है। अब ये स्लीव्स हमारी किसी भी कुर्ती, ब्लाउज़, गाउन में लगने के लिए एकदम तैयार है। तो देखिए कितना अच्छा पप उभर के आया है इसका लगने के बनने के बाद में। दूसरी स्लीव्स को भी मैंने देखिए सेम तैयार कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए इसका लुक दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए बनने के बाद में कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको मेरी ये बाजू अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।